और आज हम करेंगे वेन डायग्राम और दो एक्सरसाइज हमने कवर करनी है 1.4 और 1.5। तो पहले हम बात करते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है कि मोस्ट ऑफ जो सेट्स हैं उन्हें हम वेन डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेन डायग्राम क्या है, ये जॉन वेन एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये डायग्राम जो है इन्वेंट की थी। तो वेन डायग्राम क्या है कि इसमें हम सेट्स को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल और सर्कल में। जो रेक्टेंगल है ये रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट को, और जिसे हम कैपिटल यू से लिखते हैं। और जो सर्कल हैं, सेट्स जो है उन्हें हम सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं। और मान लो ये ए सेट है तो इसमें एलिमेंट हैं, सपोज करो ये 1, 2, 3, 4, 5। तो लेट अस सपोज करो 1, 2, 3, 4, 5। तो इसे हम वेन डायग्राम में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है जी। तो और अगर आपने लिखना है यहाँ पे कोई सेट लगा लें, इसका हम ए ले लेते हैं, तो इसमें कोई एलिमेंट है, मान लो ये ए है, बी है, सी है। तो इस सेट में जो ए है वो क्या है, सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। कि जो रेक्टेंगल है वो रिप्रेजेंट कर रही है यूनिवर्सल सेट को, और सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेशन ऑन सेट्स। फर्स्ट हम लेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब यूनियन का क्या मीनिंग है, किस चीज़ को यूनाइट करना। यूनियन का मीनिंग होता है यूनाइट करना, इकट्ठा करना। तो इसे यहाँ पे हम दो सेट को इकट्ठा करेंगे, उनके एलिमेंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे यूनियन को। मैं दो सेट ले लेता हूँ, एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3। दूसरा मैं सेट ले लेता हूँ बी जिसमें एलिमेंट हैं 2, 3, 5, 6। हम इन दो सेट का यूनियन फाइंड करना चाहते हैं। दिस इज ए यूनियन बी, और हमने क्या करना है कि इन दोनों के एलिमेंट को हमने क्लब करना है। जब हम क्लब करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ 1, 2, 3, 2 और 3 यहाँ पे एलिमेंट है, 2, 3 यहाँ पे भी एलिमेंट है। लेकिन आपको सेट की डेफिनेशन पता है कि हम एलिमेंट जब सेट में लिखते हैं तो वो रिपीट नहीं होते हैं। तो अब इन दोनों को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, यूनियन निकालना हो दोनों का, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 1, 2, 3, 5, 6। तो इसका यह मीनिंग है कि यूनियन में या तो एलिमेंट यहां से आ सकते हैं या यहां से आ सकते हैं, और सम टाइम दोनों से भी आ सकते हैं। कैसे, मैं यहां पे एक सेट ले लेता हूँ सी 1, 2, और एक ले लेता हूँ डी 5, 6। मैं सी और डी का यूनियन फाइंड करना चाहता हूँ, तो क्या बन जाएगा, सी यूनियन डी क्या आ जाएगा, 1, 2, 5, 6। समझ गए, दो तरह की डेफिनेशन होगी, ए को भी बिलोंग कर सकते हैं, बी को भी बिलोंग कर सकते हैं, और दोनों को भी बिलोंग कर सकते हैं। अगर हम जनरली लिखना चाहें यूनियन को कि ए यूनियन बी एक्स सच दैट एलिमेंट होंगे, एक्स या तो बिलोंग करेगा ए या एक्स करेगा बी, या ऐसा भी हो सकता है कि एक्स जो है दोनों को बिलोंग करे, इसे भी, और ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे ऐसे कि एक्स ए और बी, या फिर आप लिख लें कि एक्स जो है वो ए और एक्स बी दोनों को भी
एलिमेंट वहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहें, तो डायग्राम में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे होगा, ये देखिए, ये एक सेट है बेटा ए और ये बी, तो ए यूनियन बी कौन सा होगा, ये शेडेड पोर्शन, दिस इज ए यूनियन बी, और दोनों जो एलिमेंट दोनों में होंगे वो आएंगे, लेकिन सिर्फ हमारा क्या है कि रिपीट नहीं होंगे, क्लियर है। यूनियन समझ आ गया कि यूनियन क्या होता है। नेक्स्ट हमारा सेकंड है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन का क्या मीनिंग है, इंटरसेक्शन का मीनिंग है कि दो सेट हैं मेरे पास, ये देखिए 1 2 3, दूसरा सेट है बी 3 5 8, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, और इंटरसेक्शन का मीनिंग है कि इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट कौन है, वो इसके इंटरसेक्शन में आएंगे, और उसे हम डिनोट करते हैं उल्टे यू से, ए इंटरसेक्शन बी, और इन दोनों में कौन सा कॉमन एलिमेंट है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, कितने हैं जी, एक ही है यहाँ पे, तो इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन हो गया ये। अगर हम यहाँ वेन डायग्राम में देखें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज ए दिस इज बी, तो हम दोनों का इंटरसेक्शन कौन है, दिस इज, ठीक है, समझ आ गया इंटरसेक्शन का, यूनियन का समझ आ गया, ठीक है। इसे आप जर्नी लिखना चाहते हो तो जर्नी कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए सॉरी ए एंड बी, जो एक्स है वो दोनों को बिलोंग करना चाहिए, यहाँ पे हमने एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी, मतलब एक्स जो है इस कंडीशन में ए से भी एलिमेंट आ जाएंगे बी से भी आ जाएंगे, मतलब ऐसा यहाँ पे और करके था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो एक्स है वो दोनों में होने चाहिए, एक्स बिलोंग टू ए एंड बी, ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे ए एंड बी बोथ, दोनों में वो एलिमेंट होने चाहिए, तो यहाँ पे क्या था, दोनों से आ सकते हैं, अगर वो दोनों दोनों दे देखो ना, जब इनको यूनियन करेंगे तो यहाँ से भी एलिमेंट आए यहाँ से भी एलिमेंट आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि सारे एलिमेंट जैसे यहाँ पे ये एलिमेंट थे यहाँ पे कॉमन थे तो कॉमन में वो नहीं कि सारे आएंगे, ये डिफरेंस आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या है, हाँ यहाँ पे देखिए मैं वेन डायग्राम से आपको यहाँ समझा रहा हूँ, ये बेटे हमारे पास है ए सबसेट और ए सेट है और ये हमारे पास बी सेट, ठीक है। अब ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए में से बी माइनस करना हमने, तो मैं यहाँ पे ए जो सेट है वो ले लेता हूँ 1 2 3 4, सिंपल सेट ले लिया मैंने 1 2 3 4, और मैं बी ले लेता हूँ 4 5 6, ये तो आप यहाँ पे लिखें, ये आ गया बेटा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 6, ऐसे आ गया, क्योंकि दोनों में 4 कॉमन था तो मैंने कॉमन में ले लिया। अब a माइनस बी का क्या मीनिंग है कि आपने b के जो एलिमेंट a में हैं उसको माइनस कर देना है, b के जो एलिमेंट a में हैं वो माइनस कर देने, बाकी जो बचेगा वो a के एलिमेंट बचेंगे। अब देखिए a में से b माइनस करना है, तो b के कुछ कोई एलिमेंट है जो a में है 4 है, तो उसे माइनस कर दो, मेरे पास क्या आएगा, हाँ जी 1 2 3 आएगा, 1 2 3 5 6 आएगा,
वन टू थ्री, मैंने क्या कहा कि जो b के एलिमेंट a में हैं वो आपने माइनस करने हैं। तो b के एलिमेंट देखो कौन से एलिमेंट है जो b के एलिमेंट a में हैं, फोर, तो फोर हमने a में से माइनस कर देना है। तो अगर वेन डायग्राम में करें तो मेरे पास ये आ जाएगा, ये माइनस कर दिया, ये मेरे पास क्या आ गया a माइनस, या हम ऐसा करें शेडी पोर्शन इधर कर देते हैं, ये आ गया a माइनस बी, ठीक है। अब सिमिलरली b माइनस a करना, आपने b माइनस a, अब क्या करना है कि a के जो एलिमेंट b में है वो b में से माइनस कर देने हैं। अब देखो b में एलिमेंट है जी 4, 5, 6, अब a के कौन से एलिमेंट हैं जो b में है, तो मेरे पास b में से फिर b में क्या क्या बच जाएगा, और अगर मैं वेन डायग्राम में बनाऊं यहाँ पे तो मेरे पास आएगा ऐसे, तो मेरे पास क्या माइनस हो गया, b में से ये a है ये, तो आपने b में से a निकाल दिया तो ये आपका पोर्शन निकल गया, तो आपके पास क्या बचा, ये शेडेड पोर्शन, और ये शेडेड पोर्शन क्या है, b माइनस a, इसमें से a आपने निकाल दिया, तो यहाँ पे ये जो शेडेड पोर्शन बन गया b माइनस a। दिस इज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। आपकी बुक का एक क्वेश्चन है, मैं वो कर देता हूँ, बुक का क्वेश्चन है कि a है एक, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है ये, तो a आपको एलिमेंट दिए हैं जी 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, और आपको v सेट है गिवन है 4, 8, 12, 16, 20। तो हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, a माइनस बी। अब देखो a माइनस बी का मतलब क्या है कि जो b के एलिमेंट a में है वो आपने नहीं लिखने हैं, निकाल देने बीच में से माइनस कर देने हैं, तो a के एलिमेंट बाकी लिख लेने, तो क्या बन गया a के एलिमेंट 3, 6, 9, 15, 18। सिमिलरली b माइनस a, अब b में से a के जो एलिमेंट है वो माइनस करने हैं, करो 4, 8, 16, 20, ठीक है जी। तो दिस इज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमिलरली आगे एक जैसे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है, तो हम एक आगे हमारे पास आता है जिसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या लिखा है, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है कि a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन, a माइनस बी, b माइनस ए का यूनियन, और इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे करके a ऐसे करके b दैट इज, और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसे हम जनरली कैसे लिख सकते हैं a माइनस बी को, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा ना, मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ कि a माइनस बी को आप कैसे लिखेंगे। देखो a माइनस बी को आपने क्या कहा कि x एलिमेंट है वो किसे बिलोंग कर रहे हैं, a को, और x के एलिमेंट b को नहीं बिलोंग कर रहे हैं, ऐसा ही है। x a माइनस बी का मतलब क्या है कि x के एलिमेंट किसे बिलोंग कर रहे हैं, a माइनस बी जो है उसमें वो एलिमेंट है जो a को बिलोंग कर रहे हैं लेकिन b को बिलोंग नहीं कर, वो आपने निकाल दिया है। सिमिलरली b माइनस a, एक्स सच दैट x किसे बिलोंग कर रहे हैं, b को, x किसे बिलोंग कर रहे हैं, b को, और x किसे नहीं बिलोंग कर रहे हैं, a को, तो यहाँ पे हमें नॉट लिखना है। तो यहाँ पे कैसे मैं लिख सकता हूँ फिर,
हाँ जी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग टू, ये आ गया। फिर आगे यूनियन के लिए क्या लगता है? और लगता है, क्या लगता है? और पी माइनस ए क्या आ जाएगा? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू बी एंड एक्स नॉट बिलोंग टू ए, और ब्रैकेट क्लोज। और यार आप जल्दी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें जी, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या है? देखो डिसजॉइंट, जॉइंट होता है जुड़ाव, डिस मतलब नहीं। तो डिसजॉइंट सेट्स ऐसे सेट होंगे कि ए कोई सेट है और बी कोई सेट है, तो उनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या आएगा? फाई। इसका क्या मीनिंग है? कि उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन, जैसे ये है कोई, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी है, तो इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा? फाई, ठीक है। फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट। चलिए नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है? एक यूनिवर्सल सेट लेता हूँ मैं, तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यू, ठीक है। मैं इसका कोई एलिमेंट ले लेता हूँ, 1 2 3, ये बुक का ही क्वेश्चन है, उसी को मैं ले लेता हूँ। फिर इसके हेल्प से हम समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ए है मेरे पास 1 2 3 4। तो बेटा ये एक यूनिवर्सल सेट है और ए जो है इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। तो मैं फाइंड करना चाहता हूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट। और इस सेट के कॉम्प्लीमेंट को मैं कैसे लिखूँ? उसको मैं डिनोट करूँगा ए डैश, या ए के ऊपर आप सी लिख दें, ए सी ए डैश, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो इसका क्या मीनिंग है? कि जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से एक सेट आपने माइनस कर देना है। U एक यूनिवर्सल सेट है, एक उसका सबसेट है। मैं फाइंड करना चाहता हूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहता हूँ। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कि यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को माइनस कर दो, जो एलिमेंट बचेंगे वो क्या आएंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। तो यहाँ पे करो माइनस, अभी आपने डिफरेंस ऑफ सेट किया तो मेरे पास क्या बच जाएंगे? कि ये एलिमेंट नहीं आएंगे, ये इसमें से डिलीट हो जाएंगे। क्या बच गया? 5 6 7 8 9, तो ये आपके पास आ गया कॉम्प्लीमेंट। ओके, समझ गए कॉम्प्लीमेंट। अगर इसको जनरली हम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि x सच दैट, x किसे बिलोंग कर रहा है? u माइनस a, और x किसे नहीं बिलोंग कर रहा है? a को। या आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि x किसे बिलोंग कर रहा है, बट वहाँ पे a के एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कोई मुश्किल नहीं काम, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं यूनियन की, इंटरसेक्शन की और कॉम्प्लीमेंट की, और उसमें से आपको एक क्वेश्चन जो है ज़रूर उसमें मल्टीपल चॉइस में आएगा। चलिए इसको देख लेते हैं क्या है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये यूनियन है और ये इंटरसेक्शन की हैं, और यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉपर्टी किसकी लिखी हैं? कॉम्प्लीमेंट की। अब देखो क्या है, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ए कोई सेट है और ए का ही आपने उसका सेट का ही अपने सेट के साथ यूनियन फाइंड करना है, तो उसका क्या आंसर आएगा? बोले एक सेट ए है, उसमें कोई भी एलिमेंट है, और फिर आपने उसी सेट के का यूनियन फाइंड किया, तो क्या आएगा? सेम एलिमेंट आएंगे। दो सेट को जोड़ना है, एक सेट में चार एलिमेंट हैं, ए है और ए फिर आपने लिया, तो दोनों को जब इकट्ठा करें तो 8 हो जाएंगे कि चार एलिमेंट ही रहेंगे? चार रहेंगे, क्योंकि जब आपने यूनियन करना है तो जो सेट बनेगा उसमें जो एलिमेंट है वो क्या होनी चाहिए? डिस्टिंक्ट होनी चाहिए ना, तो एक ही बार आएंगे।
सेकंड क्या कहता है कि ए यूनियन फाई, फाई कौन सा सेट होता है? एम्प्टी, नल, कोई एलिमेंट नहीं है। ए में कुछ एलिमेंट है, दोनों का आपने यूनियन निकालना है, तो क्या आएगा? ए आएगा, क्योंकि ए के ही एलिमेंट आएंगे, क्योंकि फाई में तो कोई एलिमेंट है नहीं। तीसरा ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, तो इन दोनों में बड़ा कौन है? यूनिवर्सल, तो दोनों का आपने इकट्ठा करना है, तो क्योंकि ए जो है वो यूनिवर्सल का सबसेट होता है, तो जब हम यूनियन करेंगे तो जो बड़ा सेट है सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो सारे एलिमेंट किस में है? तो यूनियन में ये आपके पास ऐसा आएगा। दूसरा कहता है कि ए यूनियन बी फाइंड करें या वी यूनियन ए फाइंड करें, मतलब कॉमोटेटिव, चाहे ए यूनियन बी करें या वी यूनियन ए करें, आपका आंसर सेम ही रहेगा। नेक्स्ट क्या है कि ए यूनियन बी है, दो सेट का यूनियन है, और एक और हमने सेट ले लिया और इसके साथ यूनियन फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए यूनियन वी यूनियन सी, इसे बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है जी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या है कि ए यूनियन वी यूनियन सी, तो मैं इसे लिख सकता हूँ ए यूनियन बी, फिर यूनियन ए यूनियन सी। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन के देखो कि ए एक सेट है और ए है यूनिवर्सल सेट, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन का क्या मीनिंग होता है? कॉमन। तो कॉमन में कम एलिमेंट आएंगे कि ज़्यादा एलिमेंट आएंगे? कम आएंगे, तो कॉमन में इंटरसेक्शन में फिर यहाँ पे क्या आ रहा है? ए। लेकिन यूनियन में क्या आ रहा है? यूनिवर्सल, ये आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए, ए इंटरसेक्शन फाई, तो क्या आंसर आएगा? क्योंकि फाई कोई एलिमेंट नहीं है, तो दोनों में कॉमन क्या हुआ? कोई एलिमेंट नहीं, फाई। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, ये है कॉम्यूटेटिव, सिमिलरली ये एसोसिएटिव भी है। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और इसे हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉम्प्लीमेंट्स की प्रॉपर्टी। कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी क्या है कि ए कोई सेट है और उसका जो कॉम्प्लीमेंट है उन दोनों का यूनियन किसके बराबर होगा? यूनिवर्सल सेट के, क्योंकि यूनिवर्सल सेट क्या होता है? देखो ना, हमने ए कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड किया? हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया था कि ए को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया था, तो वो एलिमेंट नहीं लिए जो ए में है, तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट के दो पार्ट में चले गए एलिमेंट, एक चल गए ए में और एक चल गए कॉम्प्लीमेंट में। तो ए सेट और उसका जो कॉम्प्लीमेंट है, अगर उनका हम यूनियन लेंगे तो वो क्या मिलेगा हमें? सिमिलरली ए सेट है और उसका कॉम्प्लीमेंट है, उसका जो इंटरसेक्शन है वो क्या आएगा? क्योंकि जो ए के एलिमेंट हैं वो ए डैश में नहीं होंगे, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट है यूनिवर्सल सेट का, तो जो यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट हैं वो फर्दर दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं, एक एक सेट ए में और दूसरे उसके कॉम्प्लीमेंट में, तो दोनों के एलिमेंट फिर डिफरेंट हुए, तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो क्या देगा? सिमिलरली अगर आप किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, अगेन कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो वो क्या बन जाएगा? ओरिजिनल सेट बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दो फार्मूले मैंने लिखे हैं, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ये क्या कहता है कि दो सेट हैं उनका यूनियन का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो किसके इक्वल होगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनियन का किस में कन्वर्ट हो गया? यहाँ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है जी। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो मैं कर देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट वाली एक्सरसाइज का, तो यहाँ पे आपको गिवन है एक यूनिवर्सल सेट है बेटा, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और ए में सेट है, ए मैंने वाला क्वेश्चन वैसे कर ही दिया है, तो बी वाला कर देता हूँ, बी सेट लेता हूँ, ए सेट वाला मैंने क्वेश्चन कर दिया 2, 4, 6, 8,
तो ये यूनिवर्सल सेट आ गया U और एक सेट ले लिया B, तो ये कहता है कि A भी लेना पड़ेगा क्योंकि इसने पूछा कुछ और है। A आ गया 1, 2, 3, 4, तो ये हमसे पूछ रहा है एक तो A कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, क्या फाइंड करो? A कॉम्प्लीमेंट। तो A कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया बेटा बताओ, क्या आंसर आएगा बताओ? 1, 2, 3, 4 छूट जाएगा, 5 और सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना, अपने क्या फाइंड करना है? A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें? A यूनियन B, तो A यूनियन B निकालिए जी। ये A है, ये A है और ये दोनों का यूनियन निकालना है, क्या आ जाएगा? 1, 2, 3, 4, 6, 8, कोई भी एलिमेंट आपने रिपीट नहीं करना है। अब आपने इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट का क्या मीनिंग है कि जो यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है उसमें से A यूनियन B का जो सेट के एलिमेंट है वो माइनस कर दें, जो बच जाएगा वो उसके कॉम्प्लीमेंट में चले जाएंगे, ठीक है? तो क्या आ गया जी? तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 गया, 1, 2, 3, 4 का 5 बच गया, 6 भी माइनस हो गया, 7 बच गया जी, 9 बच गया। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है? तो इसी के साथ आपकी जो ये एक्सरसाइज है 1.4, ये 1.5 का था क्वेश्चन, तो कल हम नेक्स्ट करेंगे 1.6 और लास्ट आपका लास्ट का लेक्चर होगा सेट का।